इसमें हमारे पास दो क्वालिटी मिलती है, एक तो इसका बारीक रेशा होता है, एक इसका थोड़ा सा मोटा रेशा होता है 25 mm। ये वुडन लुक है और इसका ये 0.65 है। ये सर हमारे पास पॉलीकार्बोनेट शीट होती है ये। तो भाई बात ऐसी है कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं फिर से आ गया हूँ पहाड़गंज ABC प्लास्टिक, और भाई चलो अंदर लेके चलता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया मैं आ गया हूँ पहाड़गंज ABC प्लास्टिक, इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बना रखी है। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेसिकली ग्रीन ग्रास हो गया, फ्लोरिंग मैट हो गए, ये आपको पेड़ पौधे के लिए जाली, ये फ्लोरिंग मैट जिस इस तरह की बात कर रहा हूँ, और आगे और भी सामान है दोस्तों। देखिए ये सर हमारे पास कुशन मैट होता है, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसमें इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। हाँ ये भी काफ़ी डिमांड में रहता है, इसका ग्रीन प्लेन कलर हो जाएगा, रेड प्लेन हो जाएगा, ये आपका ग्रे ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक रेड हो जाएगा, ये आपका ग्रीन ब्लैक हो जाएगा, इसमें बहुत कलर है सर। कितने mm से शुरू हो जाएगा और क्या प्राइस होने वाला है? ये आपका 10 mm का मिलेगा, 10 mm की थिकनेस होगी स्पाइक का। हाँ ये आपका 38 प्लस टैक्स रहेगा, ये आप लोगे 36 प्लस टैक्स रहेगा, ये विदाउट स्पाइक में है, स्पाइक में है। ओके हाँ, इसकी कटिंग कितने से शुरू हो जाएगी? जैसे कोई सर इसका साइज नहीं, इसका साइज पूरा मिलेगा, 2 फुट बाई 40 फुट रनिंग होगी इसकी और 4 फुट बाई 40 होगी इसमें, 2 फुट बाई 50 फुट आती है, 4 फुट बाई 50 फुट आती है, मतलब 2 फुट चौड़ा होता है 50 फुट लंबा होता है, 4 फुट चौड़ा होता है 50 फुट लंबा होता है, ये 40 फुट लेंथ होती है। हाँ ये कारपेट मैट है सर, ये टेंट वेंट में यूज़ करते हैं वहाँ बिछाते हुए हैं ये। हाँ ये भी मिल जाएगा हमारे पास, ये आपका 6 फुट बाई 150 फुट का मिलेगा और 5 फुट बाई 150 फुट का मिलेगा। इसके अंदर कलर ग्रे है, ग्रीन है, रेड है, ये 2-3 कलर इसमें पड़े हुए हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है, 2-3 ही कलर है। हाँ ये ग्रीन है, ये इसके अंदर रेड भी है, रेड का अंदर पड़ा हुआ खुला नहीं है, ये अभी खुला पड़ा है। देखिए भैया ये आपका 25 mm है, ठीक है, ये 25 mm का है। इसमें हमारे पास दो क्वालिटी मिलती है, एक तो इसका बारीक रेशा होता है, एक इसका थोड़ा सा मोटा रेशा होता है 25 mm। फर्क बताना भैया कैसे है? दोनों में क्या फ़र्क होता है, बारीक रेशा जो होता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट सा लगता है, मोटा रेशा होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। हाँ ये फ़र्क होता है, रेट दोनों के सेम है, उसमें कोई ये नहीं है कि मोटे रेशे का एक्स्ट्रा रेट है पतले का कम है। तो ये देखो, लेकिन ये सारा ये माल देखो, ये पतला रेशा है, ये थोड़ा सा मोटा रेशा है, ऐसे मिलेगा ये माल, ये दोनों 25 mm का है। इसके बाद हाँ ये आपका आएगा 40 mm का, ये आपका का 35 mm का, ये आपका 25 mm का, ये आपका 45 का। प्राइस के शुरू होंगे भैया जी, हमारे पास 20 mm का भी है, 20 mm का आप लेते हो तो वो सस्ता पड़ता है, वो आपको पड़ जाएगा जाके 2,350 रुपये प्लस टैक्स का। 25 का लोगे वो पड़ेगा आपको 25 रुपये स्क्वायर फुट, 25 mm का 25 रुपये फुट पड़ेगा। हाँ ये आपका पड़ा हुआ है, ये 35 mm का पड़ा हुआ है, ये सॉफ्ट भी बहुत है, ये भी मिल जाएगा आपको। बैग पीछे इसको क्या है? हाँ ये पीछे जो बैग है ना इसके अंदर ये लगा होता है, ये सिंगल लेयर है इसमें, हाँ ये सिंगल लेयर, डबल लेयर में थोड़ा सा फर्क होता है, उसका वो थिकनेस ज़्यादा हैवी हो जाता है। जैसे कि ये देखो ये हमारा डबल लेयर है, डबल लेयर में आपको दिखा देता हूँ, एक इसके अंदर दिख रहा होगा ये जूट सा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा होता है और इसमें ये चीज़ नहीं है, ये देखो इसके अंदर नहीं है, ये सिंगल बोला जाता है, ये डबल लेयर इसी बात के लिए डबल लेयर होता है। प्राइस का फर्क ये रहता है, ये अगर 35 mm का आप सिंगल लेयर का लेते हो तो हमारे पास ये 29 का 29 रुपये फुट प्लस GST आ जाएगा आपका। हाँ और ये आप लोगे तो ये आपको सस्ता लगा देंगे, ये पड़ेगा आपका 30 रुपये का प्लस GST। ये सर हमारे पास पॉलीकार्बोनेट शीट होती है, ये 1.5 mm का होता है, ये अनब्रेकेबल होता है, जितना मर्जी मोड़ो तोड़ो कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें मिल जाएगा आपको 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm सब मिल जाएगा इसके अंदर। और ये आपको जैसे किसी को लूज चाहिए तो लूज भी मिल जाएगा, बट पैक रोल भी इसका मिलता है, चौड़ाई इसकी 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट तक मिलेगी। इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? यूज इसका होता है आजकल विंडो में लगा देते हैं, इसके फाइबर सेट बना लेते हैं, टेम्परेरी रूम बनानी हो ऊपर रूम बना लो, इसके लिए यूज होती है इसमें। और इसकी वारंटी कितने सालों तक चल जाएगा कम से कम? ये इस पर 10 ईयर कंपनी लिख के देती है, कुछ भी नहीं होता, 8-10 साल आराम से चल जाता है, खराब नहीं होने कोई कुछ नहीं होता है इसमें, ये अनब्रेकेबल आइटम होता है। इसके अंदर कलर भी मिल जाएगा, ब्राउन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, ग्रीन मिलेगा और क्लियर मिल जाएगा। हाँ इसका ब्राउन हो गया और ये इसका देखो ये ग्रीन, ये क्लियर होता है, ठीक है ना, इसका हाँ ग्रीन भी है, मतलब सारे कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अंदर टेक्सचर चेंज करना हो तो टेक्सचर चेंज होता है, जैसे इसमें एक ब्राउन डायमंड डायमंड लेना है तो इसमें डायमंड ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर ये थोड़ा सा मोटा होता है। ये देखो ये पॉलीकार्बोनेट है, ये डायमंड है, ये क्रिस्टल कट भी मिल जाएगा, इसके अंदर भी सारे कलर अवेलेबल होंगे हमारे पास। हाँ 4-5 कलर, ये देखो उसी का ग्रीन पड़ा हुआ है, इसके अंदर ब्लू भी है, ये देखो ये आसमानी कलर लेक ब्लू कलर है, ये डायमंड का। इसकी mm कहाँ से शुरू हो जाएगा? ये सर एक्चुअली में पतला दाना है, वो आपका 1.5 mm से स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 mm का है, ये 2 mm भी आता है, 3 mm भी आता है, ये इतना ही होता है। उसके बाद आपको 4 mm चाहिए तो 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm जो भी चाहिए वो शीट में आएगा, 8x4 साइज में आएगा और क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट आएगी वो। और उसके बाद हमारे पास जैसे तो अभी तो आपको दिखाई दिया पॉलीकार्ड, उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक शीट होती है 1 mm की, 2 mm की, ये प्लास्टिक शीट होती है। एक मिनट इसको, ये देखो हमारे पास प्लास्टिक 1 mm की शीट होती है, जो ये भी आजकल बहुत डिमांड में है। ये देखो
ये प्लास्टिक 1 mm का, इसके अंदर भी कलर बहुत सारे हैं। ये देखो इसके अंदर टेक्सचर भी होगा। कितने mm से? ये 1 mm की स्टार्ट होती है भैया, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे अब वो मैंने 1 mm का दिखा दिया, उसी में प्लास्टिक, ये देखो ये भी प्लास्टिक ही है उसी का, ये 2 mm का पड़ा हुआ है। okay. ये प्लास्टिक ही है। हाँ, ये आइटम आप लेते हो तो ये फुट में बैठता जाके आपका ये 12 रुपये स्क्वायर फिट, ठीक है। और ये आप लेते हो तो ये आपका बैठ रहा 50 रुपये स्क्वायर फिट डायमंड का, पॉलीकार्बोनेट का। हाँ, और इधर ये सारा आपका ये प्रिंटेड, इसके अंदर प्रिंट भी आता है 1 mm का, इसकी भी डिमांड अच्छी खासी रहती है। ये मिल जाएगा आपको, प्राइस के इसकी भी सेम रहने वाली है। हाँ, ये आपको लोगे तो ये 12.5 रुपये स्क्वायर फुट प्लस टैक्स आएगा। ये 50 रुपये एक्स्ट्रा होता है, ये 50 रुपये से सस्ता होता है प्लेन वाला। कलर भी काफ़ी मिलता है, कलर इसके अंदर बहुत सारे हैं। ये कलर है, ये कलर है, इसके बाद ये सारे कलर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, इसके बाद ये सारा यहाँ स्टॉक में पड़ा हुआ है। यहाँ जितना रखा जाए, एक बंडल में कितना माल होता है? इसके अंदर 100 फिट रनिंग होती है, 100 फिट रनिंग लंबाई होती है इसके अंदर। चौड़ाई आपको इसमें 2 फिट, 4 फिट, 5 फिट, 3 फिट, 6 फिट, 7 फिट तक का मिल जाएगा आराम से, हमारे पास अवेलेबल होता है इसमें 7 फिट तक का। और इसके बाद आपको हम दिखाते हैं पॉलीकार्बोनेट, जैसे आपको मैंने बताया था इसमें मोटा चाहिए ना शीशे का, ये ट्रांसपेरेंट होता है, 3 mm का साइज है इसका। इसमें 3 mm का है, 2 mm का है, ये 1.5 mm का है, तीनों थिकनेस अवेलेबल है हमारे पास एनी टाइम। हाँ, ये आप लेते हो तो ये आपको पड़ते जाके 40 रुपये फुट। इसके बाद ये 2 mm का लेते हो तो ये पड़ता 65 रुपये स्क्वायर फिट। उसके बाद आप 3 mm का लेते हो तो ये पड़ता जाके आपको 90 रुपये फुट। हाँ सर, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये PVC फ्लोरिंग मैट, इसी की ज़्यादा डिमांड आती है, इसकी इंक्वायरी भी बहुत आती है कि सर फ्लोरिंग चाहिए हमारे को होलसेल में जैसे भी है, तो उसके लिए है ये इसमें सारा आपको मिल जाएगा 0.45, 65, 55, 1.3 mm, 1.5 mm, मतलब सारी रेंज मिलेगी इसके अंदर। ये थोड़ा ना टाइल वाइट टाइल की तरह लग रहा है इसका। हाँ, इसका ये मार्बल लुक है, ये आपका 4-5 का है, ये सिर्फ 7 रुपये स्क्वायर फिट है, 7 रुपये स्क्वायर फिट है। okay. और ये आपको मिल जाएगा, साइज आपका 5 फुट बाई 115 फुट रनिंग आएगा, 6.5 फुट बाई 115 फुट रनिंग आएगा। okay. ये इसका 6.5 फुट है, इसके अंदर भी पैकिंग पड़ा हुआ है, सारा रोल पैक पड़े हुए हैं ये। और ये यहाँ पे तो थोड़ा ये बाकी स्टॉक गोडाउन में है, और इसके अंदर ये 6.5 का आ जाता है। अच्छा, जिसको जैसे पैकिंग का पूरा बंडल लेना है, एक बंडल में कितना पीस होता है, कितना माल होता है? ये 2 मीटर चौड़ा होता है और इसका 35 मीटर लेंथ होती है। ठीक है। हाँ भैया, ये वुडन में आ रहा है, इसका थोड़ा बताइए। ये वुडन लुक है और इसका ये 0.65 है, ये इससे ये थोड़ा सा हैवी होता है थिकनेस में। हाँ, ये आपका पड़ेगा 10 रुपये स्क्वायर फिट। 10 रुपये स्क्वायर फिट। हाँ जी, ठीक है। प्लस GST भी रहेगा? प्लस GST रहेगा। GST कितना रहेगा भैया? 18% GST सर इसके अंदर। 18%। हाँ, इसमें आपको शेड अलग अलग मिल जाएंगे, कलर अलग मिल जाएगा। ये देखो, ये ब्लैक हो गया, इसके अंदर ये आ गया, इसमें ये वुडन वाला प्लेन हो गया, इसमें थोड़ा सा ग्लोसी वाला 4-5 का हो गया, और ये चेस भी आ जाएगा इसके अंदर, ये 4-5 में ये कलर आ जाएंगे, मतलब इसमें बहुत सारे कलर। ये 0.45 mm से शुरू होता है, लास्ट इसमें 2.5 mm से 3 mm तक का माल मिलेगा। 2.5 mm से 3 mm तक का माल मिल जाएगा इसके अंदर। हमारा ये 35 mm का रोल है, ये 35 mm का, क्योंकि ये 6.5 फुट 4 फुट दिखाना तो मुश्किल है। 35 mm का रोल है भैया, एक बंडल में कितना माल होगा? ये 2 फिट चौड़ा होता है, 82 फुट इसकी लंबाई होती है। okay. और इसका ये ग्रास दिखा देता हूँ, ग्रास इसकी कलर बहुत अच्छा है और ये देखने में बहुत अच्छा है, और ये डबल लेयर है। हाँ, ये इसके अंदर डबल लेयर होती है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे ये देखो, ये 35 mm का माल है टोटल, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फाइन क्वालिटी है इसकी। ये देखो, ये देखो, ये डबल लेयर होता है कि इसमें सिंगल लेयर होता है और एक एक्स्ट्रा जूट इसमें लगा होता है एक्स्ट्रा, उस जगह कोटिंग थोड़ी भारी होती है और देखने में लुक में भी अच्छा होता है और हैवी होता है, ये झड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। हाँ, ये 35 mm डबल लेयर है, इसके रेशे बड़े होते हैं। इसमें 25 mm देखना है तो ये 25 mm का पड़ा हुआ है, ये 25 mm का होता है, ये थोड़ा छोटा होता है। हाँ, ये हाँ हाँ ये और ये हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया माल है, ये मिल जाएगा। जैसे कि किसी को एक बंडल या पूरा लेना हो, क्या रेट लगेगा? ये अगर पूरा बंडल लेना है 35 mm का डबल लेयर का, 30 रुपये फुट प्लस टैक्स लगेगा। ये वाला टैक्स कितना भैया? इस पे 12% GST होती है ग्रास पे, बाकी सभी मालों पे 18% है, इस पे 12% GST है। ऐसे ये पूरा आपका ये ग्रास का? हाँ, ऑलमोस्ट सारा ग्रास है। इसके अंदर आपका कांटा मैट आ जाता है, जिसको आप पता दिखा देता हूँ आपको। ये जो कांटा मैट होता है, ये गाड़ियों वाड़ी में लगाते हैं, डोर मैट बनाते हैं इसका। ये देखो, इसको ये भी बहुत डिमांड में रहता है। हाँ हाँ, ये कांटा मैट हमारा, ये जो होता है ये कांटा मैट है। इसको किस क्वालिटी का होने वाला भैया? ये सर अच्छा है, ये देखो सनटर्फ का माल होता है, इसके अंदर 2-3 ब्रांड मिल जाएंगे आपको। okay. और हाँ, ये देखो, ये रहा, ये ग्रीन है। इसमें प्राइस की बात करी जाए, हाँ, ये आपको पड़ेगा 32 रुपये स्क्वायर फुट पड़ेगा ये वाला माल। okay. मिल जाएगा, इसमें कलर आपको रेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, सारे कलर मिल जाएंगे। okay. ये हमारे पास गार्डन जाली है, ये पेड़ पौधे हैं, उनको कवर करने के लिए होती है। क्या है ना, कभी पेड़ पौधे से लगा दो छोड़ दो तो उसको कहीं बकरी खा जाती है, कहीं कोई तोड़ देता है, तो उसमें
नुकसान हो जाता है, हमारे पौधों को नुकसान हो जाता है। तो ये सस्ते रेट की आइटम है, बहुत सस्ती पड़ती है, इसको लगा देते कवर कर देते उसे बचा रहता है। और क्वालिटी में भी आती है, इसमें क्वालिटी आती है। जैसे कि अब हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये आप देखोगे ये सस्ता पड़ेगा आपको 5 रुपये स्क्वायर पड़ेगा। इसके बबाद ये देखो इससे हैवी क्वालिटी है, ये आपका पड़ेगा 7 रुपये स्क्वायर फीट। इसमें भी जीएसटी है? हाँ जीएसटी इसके अंदर, ये प्लास्टिक है सर, इसमें 18% आएगा। ओनली आर्टिफिशियल ग्रास पे ही 12% है, बाकी सारे प्रोडक्ट पे 18% है। सारे 18% जीएसटी एक्स्ट्रा है, सिर्फ ग्रास पे 12% है।